सुप्रभात। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहें बदल सकते हैं। इसी सुविचार के साथ मैं वीना शर्मा स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। आइए अब रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया से। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 14 दिन में 9 गुना बढ़े संक्रमित। अब वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी 2 गुना मरीज। पंजाब के मुख्यमंत्री की मांग, रविदास जयंती की वजह से बढ़ाई जाए चुनाव की तारीख। आयोग को लिखा पत्र। सपा को चुनाव आयोग का नोटिस, वर्चुअल रैली के नाम पर जुटाई थी भीड़। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी फोर्स। फेक करेंसी, बांग्लादेश में मिली थी 7.35 करोड़ के नकली भारतीय नोट। ISI का हाथ होने का शक। NIA ने शुरू की जांच। और देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2,00,000 से अधिक मामले। 16 से 67% हुई पॉजिटिविटी रेट। ये थी सुर्खियां देश भर से। आइए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में कोरोना, पिछले 24 घंटे में मिले 3,848 नए मरीज। सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 पार। सर्वानंद घाट पर अनशन पर बैठे यति नरसिंहानंद गिरफ्तार। अमर्यादित टिप्पणी पर युवती ने कराया था केस। स्पेशल टास्क फोर्स का हरिद्वार में छापा। 4 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बरामद। 7 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड इलेक्शन 2022, हर सीट पर पैनल तैयार करने के लिए देहरादून में हुआ मंथन। कोर ग्रुप की बैठक से गायब रहे हरक सिंह। विजय बहुगुणा का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज, कहा कहीं से भी लड़े चुनाव, हार पक्की। ये थी सुर्खियां उत्तराखंड से। अब वक्त है उत्तराखंड से जुड़े रोचक तथ्य का। क्या आप जानते हैं 888 साल पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनके शासकों को राणा, राय और ठाकुर कहा जाता था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।